दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक संहिता है, घेरण संहिता है ना, हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता। इसमें अगर जाएंगे तो इसमें हाथ की मुद्राओं का वर्णन मिलता है, मगर अगर ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, उसको आप मनन करें, तो आप देखेंगे जो ये मुद्राएं होती थी, ये बेसिकली कुंडलिनी के लिए और ऊर्जा स्रोत को चैतन्य करने के लिए होती थी। मगर इसमें अब देखा गया कि अगर इन मुद्राओं को प्रॉपर्ली कर लिया जाए तो बहुत सारे रोगों के निदान करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। ये सत्य है, पुनः पुनः सत्य है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे लोगों के ऊपर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद में तब ये चीज़ सामने आई, तभी इसलिए आया। और देखिए, ठीक भी है, अगर लॉजिक में देखें या हम अपने अपने योग शास्त्रों में देखें, है ना, इसको अध्यात्म से जोड़ें, तो देखिए जो पंच तत्व हैं हमारे, इन्हीं सारे पंच तत्वों का खेल है हमारा। हमारी जो पांच उंगलियां हैं, ये पंच तत्वों के द्योतक हैं। जैसे हमारा अंगूठा है, ये हमारा अग्नि तत्व को बताता है। तर्जनी उंगली हमारी वायु तत्व को इंडिकेट करती है। मध्यमा आकाश तत्व को इंडिकेट करती है। अनामिका पृथ्वी तत्व को, और सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली जो है, ये जल तत्व को इंडिकेट करती है। इनमें जब भी डिसहारमोनी होती है, तब कुछ ना कुछ अराजकता होती है शरीर में, कुछ ना कुछ रोग पनपते हैं शरीर में। तो ये तो देखिए सत्य है, इसको मानेंगे, इनको कैसे बैलेंस किया जाए, बस ये खेल है सारा। और अगर ये समझ में आ गया तो फिर वारे नारे हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो ये भी बता दूं आपको कि बजाय लाभ के हानि भी हो सकती है ना। ये जो कहते हैं लोग बात, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को जो चीज़ रिक्वायर्ड है प्रॉपरली अगर नहीं करी जा रही है तो अर्थ का, क्योंकि देखिए जो आयुर्वेद में जाएंगे तो तीन चीज़ें हैं हमारी, है ना, कफ वात और पित्त। तो किसकी कफ टेंडेंसी है, किसकी वात टेंडेंसी है, किसकी पित्त रोग की टेंडेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली मुद्राओं को, ये तरह तरह की मुद्राएं बना के, जो टोटल हमारी टोटल अगर हम योग ग्रंथों में देखें और घेरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका में देखें, तो 50-60 ये मुद्राएं बनती हैं। वैसे तो हर मुद्रा है, सैकड़ों हजारों संख्या में हो सकती हैं मुद्राएं, जिस मुद्रा से जिसको लाभ मिले, जो मुद्रा व्यक्ति के शरीर को स्वीकार करे। देखिए, मैं एक बहुत ही एक उपयोगी मुद्रा बताने जा रहा हूँ आपको, सहज मुद्रा, है ना। ये इसका इसका जो विशेष रूप से किन किन रोगों में इसका उपयोग होता है और ये कैसे करी जाती है। दोस्तों, आप गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें उपयोगी होंगी आपके लिए, और आपके लिए ही नहीं, आपके परिवारों के लिए, इस मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये सहज मुद्रा कैसे बनती है और इसके लाभ क्या हैं। सहज मुद्रा जो हमारा जल तत्व है, क्योंकि जो सहज मुद्रा जो हमारा, आप देखिए शरीर में हम मानते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो हमारा 72% हमारा जल है ना। तो जल संबंधी जब भी डिफिशियंसी होती है तो वो उससे रिलेटेड जो जो बीमारियां हैं वो बीमारियां पनपती हैं, है ना। तो इसमें सबसे कनिष्ठिका छोटी उंगली, ये जो सहज मुद्रा बनाना बता रहा हूं आपको, इसको हल्के से, इसका जो पोर है, प्रथम पोर है, अंगूठे से टिकाइए, हल्के से इसको टिका लिया, देखिए सामने आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। और तीनों उंगलियों को एक तो स्ट्रेट करना हो गया, और तीनों उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स्ड कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बीच में गैप हो इनके उंगलियों के, और सीधी करेंगे तो स्ट्रेन पड़ेगा। आप एक बार सीधी करिए, देखिए उंगलियाँ, इसमें स्ट्रेन पड़ा ना, और इसको रिलैक्स कर लीजिए, यानी कि बिल्कुल टेंशन रहित, कहीं भी कोई स्ट्रेन नहीं। ये एक सहज मुद्रा बन गई, और यही मुद्रा वरुण मुद्रा बन जाती है अगर उंगलियों को स्ट्रेट कर लेंगे। ये इतना ही केवल अंतर है, मगर इनके रोगों में क्या क्या फायदे हैं वो एक अलग, बिल्कुल वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वरुण मुद्रा बन गई आपकी, इसमें आप देखिए, इसमें आपको लग रहा है कि कहीं जोर पड़ रहा है, और सहज मुद्रा और वरुण मुद्रा में दूसरा, जैसे इसमें टिप आपने जो हमारा जल तत्व का प्रतीक हमारी कनिष्ठिका उंगली है, इसमें अंगूठा टिका रखा है, इसको बहुत सी जगह दिखाया है कि अंगूठे को नाखून के ऊपर ऐसे टिका लेते हैं, इसको नाखून के ऊपर करके दिखाइए अंगूठे को, ऐसे ही है। ये भी आपकी एक मुद्रा बनती है, इस तरह भी करते हैं, और टिप में, अच्छा है कि इसको टिप में करें, तो ये आपकी हमारी वरुण मुद्रा बन जाएगी। हम जो सहज मुद्रा के जो लाभ हैं, मैं बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूँ, बस इसको करना कैसे, इसको हर एंगल से आप देख लीजिए, है ना। सहज मुद्रा बहुत एक हाथ से करें, और अगर देखिए दोनों हाथों से करते हैं तो और अच्छा है, मगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एक हाथ बिजी है,
तो और जब जिस समय बैठ के करेंगे तो किसी भी आसन में बैठे, अगर आदमी धरती पे बैठने लायक नहीं है, मतलब कुछ कठिनाई है बैठने में, तो चेयर पे बैठे, बेड पे बैठे, और करतल हथेलियां आकाश की ओर है, नीचे की तरफ करके नहीं बैठना। इससे देखिए सबसे इसका जो अहम पहलू है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका, वो इसका आता है कोई भी स्किन टाइप की प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीजेस के लिए बहुत अच्छी है ये वाली मुद्रा। इसमें कैसा भी त्वचा रोग हो, है ना, आप देखिए कि चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, पित्त संबंधी कोई रोग होते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी है मुद्रा ये वाली। इसके लिए बस ये इसको एक दो एंगल से आप देखिए करके दिखाइए, तो इनको लोगों को आराम समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, है ना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू चेहरे के लावण्य के लिए, है ना, जो चेहरे पे सुंदरता लाना चाहते हैं, आप देखिए साधु संतों महात्माओं के कितनी अवस्था हो जाए, चेहरे में एक लावण्य होता है, कौन से वो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, वो इनका योग मुद्राओं का कमाल है। योग मुद्राओं से ही चेहरे पे लालिमा आती है, चेहरे पे एक लवण आता है, चेहरे पे एक नूर आता है। और इसको अगर हम वरुण मुद्रा बना लें, वरुण मुद्रा में हमने थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दिया और उंगलियों पे लग रहा है जोर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उंगलियों के बीच में जो सहज मुद्राओं में गैप था, इसमें गैप नहीं होगा। अगर वरुण मुद्रा में जाते हैं तो इससे जो रोग आपके ठीक होते हैं, देखिए सिरोसिस के लिए बहुत अच्छा है ये, एग्जिमा के लिए बहुत अच्छा है, ग्लोइंग फेस के लिए बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है, पानी संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, तो जल तत्व की कमी हो रही है, ड्राइनेस है स्किन के अंदर, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा स्टोमक डिसऑर्डर्स, अगर कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और तो और अगर मान लीजिए इसको हम नियमित रूप से कर सकते हैं तो बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बालों में जो नेचुरल चमक होती है, बालों में जो प्राकृतिक रूप से ऑयल निकलता है, जिसके ऑयली हेयर होते हैं प्राकृतिक रूप से, वो ये दो मुद्राएं आपके लिए, आप देख लीजिए। इनका करने का समय 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक ले जाइए। कोई भी मुद्रा करें तो एडवाइस भी यही होता है कि एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें, और जो देखिए जो जो पर्टिकुलर डिजीज के लिए ले रहे हैं, जिसकी जो रूटीन मेडिसिन ले रही है आप लोग ये ले रहे हैं, उन मेडिसिन को कंटिन्यू करें, और इन मुद्राओं को इस तरह मान के चलने कि एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक सप्लीमेंट्री, एक मेडिसिन सप्लीमेंट्री डाइट, इसको जो भी आप मान के चलें, मगर ये निश्चित है कि अगर दोनों चीज़ों को क्लब कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा, प्रोवाइडेड आदमी के अंदर पेशेंस हो और आदमी प्रॉपरली कर ले। आप एक बार फिर से आराम से देख लीजिए, हल्के से बनाइए, एक बार ऐसे बनाइए, ये आपकी सहज मुद्रा होगी, और अगर उंगलियों को आपने जोड़ लिया तो ये आपकी वरुण मुद्रा होगी। इसको करें दोस्तों, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ YouTube में गोपाला जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने नीडी पर्सन्स को इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।